कैसे हो दोस्तों। दिसंबर में क्रिसमस होता है और क्रिसमस की छुट्टी होने पर बहुत से लोग कहीं ना कहीं घूमने का प्लान बनाते हैं, जिसकी वजह से फेमस प्लेसेस पर काफी भीड़ भड़का हो जाता है। इसलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ वो ऑफबीट प्लेसेस जिनको आप दिसंबर के मंथ में आराम से विजिट कर सकते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। तो चलिए लिस्ट को शुरू करें। नंबर 1, थाजीवास ग्लेशियर, जम्मू एंड कश्मीर। थाजीवास ग्लेशियर हिमालय के पीर पंजाल रेंज में लोकेटेड एक ब्यूटीफुल ग्लेशियर है, जिसको हाइकिंग, कैंपिंग और स्कीइंग के लिए काफी जाना जाता है। आई नो काफी लोगों ने इस प्लेस के बारे में नहीं सुना होगा, लेकिन यहाँ पर इस दिसंबर जाना आपके लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकता है, क्योंकि दिसंबर में ये ग्लेशियर स्नो से कवर्ड होता है और स्नो में कवर्ड होने की वजह से इस ग्लेशियर की खूबसूरती और भी बढ़ जाती है। नंबर 2, दाउकी, मेघालय। दाउकी मेघालय की ईस्ट खासी हिल्स डिस्ट्रिक्ट का एक छोटा सा विलेज है, जिसको यहाँ के प्रिस्टीन रिवर के लिए पूरे इंडिया में जाना जाता है। कसम से इस रिवर से ज्यादा साफ पानी आपको कहीं और नहीं मिलेगा। यहाँ पर बोटिंग करना टूरिस्ट को बहुत पसंद है, लेकिन कुछ लोग इस रिवर के साफ पानी में स्विमिंग करना भी काफी पसंद करते हैं। अब आपको यहाँ दिसंबर में जाकर क्या करना है वो आप लोग खुद डिसाइड करना, लेकिन हाँ, यहाँ पर आप दिसंबर में जरूर जाएं। नंबर 3, जैसलमेर, राजस्थान। राजस्थान का जैसलमेर दिसंबर में विजिट करने के लिए काफी अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि दिसंबर में यहाँ का मौसम काफी बढ़िया होता है, जिसकी वजह से आप यहाँ आकर यहाँ के गोल्डन सैंडस्टोन फोर्ट में जाकर अपनी अच्छी अच्छी फोटोज को क्लिक कर सकते हैं। एंड ये फोर्ट इंडिया के लार्जेस्ट फोर्ट्स में से एक है। इसके अलावा आप यहाँ पर कई हिस्टोरिकल एंड कल्चरल अट्रैक्शन पॉइंट्स को भी देख सकते हैं, जैसे कि पतवाओं की हवेली एंड द जैन टेम्पल। नंबर 4, मोलिनोंग, मेघालय। मोलिनोंग मेघालय में लोकेटेड एक विलेज है, जिसको क्लीनेस्ट विलेज इन एशिया के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये विलेज है ही इतना साफ सुथरा। यहाँ पर आप कई वाटरफॉल्स को भी विजिट कर सकते हैं और यहाँ के लश ग्रीन हिल्स पर हाइकिंग के लिए भी जा सकते हैं। साथ ही साथ इस विलेज को इसके यूनिक कल्चर और ट्रेडिशन के लिए भी काफी जाना जाता है, तो ये वन ऑफ द टॉप ऑप्शंस होना चाहिए आपके दिसंबर के प्लान के लिए। नंबर 5, स्पीति वैली, हिमाचल प्रदेश। अगर आपको ठंड पसंद है वो भी जमा देने वाली, तो हिमाचल प्रदेश की ये रिमोट वैली आपके लिए काफी अच्छी डेस्टिनेशन हो सकती है। ये वैली अपनी खूबसूरत सीनरी और साथ में स्नो कैप माउंटेन्स, ग्लेशियर्स और बैरन लैंडस्केप्स के लिए काफी जानी जाती है, जहाँ पर आप ट्रैकिंग, कैंपिंग और स्टार गेजिंग जैसी एक्टिविटीज का लुत्फ उठा सकते हैं। वहीं अगर आप यहाँ के टूरिस्ट प्लेसेस को विजिट करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर कीकॉम का, जिसको की मोनेस्ट्री भी कहते हैं, चंद्रताल और किब्बर को भी साथ में विजिट कर सकते हैं। नंबर 6, तवांग, अरुणाचल प्रदेश। तवांग अरुणाचल प्रदेश का एक फेमस टाउन है, जहां पर आप तवांग मोनेस्ट्री को विजिट कर सकते हैं। ये मोनेस्ट्री इंडिया की लार्जेस्ट मोनेस्ट्री है, जहां पर आपको दिसंबर में विजिट जरूर करना चाहिए। इसके अलावा यहां पर कई नेचुरल अट्रैक्शंस हैं, जिनको आप तवांग आने के बाद जरूर देखें। इसमें आते हैं तवांग लेक एंड बुमला पास। नंबर 7, लेह लद्दाख। लद्दाख की लेक किसी भी इंट्रोडक्शन की मोहताज नहीं है, हम सब ने इसके बारे में बहुत सुना है। यहाँ की स्टनिंग सीनरी साथ में स्नो कैप माउंटेन्स, टर्कोइस लेक्स और बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज इस जगह को और भी खास बना देते हैं। तो अगर आपको बहुत ही अव्वल दर्जे की भयंकर वाली ठंड पसंद है, तो भाई दिसंबर में आप यहाँ पर जरूर जाएं, क्योंकि इस मंथ में आप यहाँ स्नो की चादर देख सकते हैं, जो कि इस प्लेस को और भी खूबसूरत बना देती है। नंबर 8, कालिम्पोंग, वेस्ट बंगाल। जब भी बात वेस्ट बंगाल के हिल स्टेशंस की आती है, तो सबसे पहले जो नाम दिमाग में आता है वो है दार्जिलिंग। लेकिन लोग वेस्ट बंगाल के कालिम्पोंग से बहुत ही कम वाकिफ हैं। ये प्लेस नेचुरली ब्यूटीफुल है, जहां आप एक तरफ स्नो क्लैड हिमालयस को देख सकते हैं, तो दूसरी तरफ तीस्ता रिवर के फ्लो को। वाकई बहुत ही खूबसूरत नजारा होता है। तो अगर आप भी इस नजारे को देखना चाहते हैं, तो इस दिसंबर इस प्लेस को विजिट करना बिल्कुल ना भूलें। नंबर 9, हलेबीडु, कर्नाटका। हलेबीडु कर्नाटका की एक हिस्टोरिकल सिटी है,
जहां पर आप होसाला आर्किटेक्चर के टेंपल्स देख सकते हैं। और अगर आप एक आर्किटेक्चर लवर हैं, तो ये प्लेस आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं है। इस प्लेस को होसाला एम्पायर के रीजनल कैपिटल भी कहा जाता है, जहां पर आप कई एंशियंट प्लेसेस को देख सकते हैं, जैसे कि होसालेश्वरा टेंपल और श्री किरदारेश्वरा स्वामी टेंपल। नंबर 10, मेघामलाई मदुराई। मेघामलाई तमिलनाडु के वेस्टर्न घाट्स में लोकेटेड है, जिसको हिल्स ऑफ क्लाउड्स भी कहा जाता है। हाल ही में इस प्लेस की पॉपुलैरिटी तमिलनाडु में बढ़ने लगी है। तो अगर आप ऊटी और कोडाईकनाल में जा जाकर थक और पक दोनों गए हैं, तो आप इस प्लेस को अपनी लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। और मैं दावे से कह सकता हूँ कि आपको ये जगह बहुत ही पसंद आएगी। एंड अगर आप यहाँ जाने का प्लान करते हैं, तो यहाँ के मेघामलाई फॉल्स, मुरुगन टेम्पल, महाराज मेटू व्यू पॉइंट और सुरुली फॉल्स को विजिट करना बिल्कुल ना भूलें। नंबर 11, गोकर्णा कर्नाटका। अगर आप गोवा बहुत बार जा चुके हैं एंड दिसंबर में कोई अल्टरनेटिव ढूंढ रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली गोवा में बहुत ज्यादा भीड़ होती है, तो आप कर्नाटका के गोकर्णा को दिसंबर में विजिट कर सकते हैं। बीचेस की गोल्डन सैंड, पाम ट्रीज और प्रिस्टीन क्लियर ब्लू वाटर्स इस प्लेस को और भी ज्यादा खूबसूरत बनाने में कामयाब रहते हैं। यहाँ पर कुछ रिलीजियस श्राइन्स भी हैं, जिन्हें आप विजिट जरूर करें। नंबर 12, पातन गुजरात। जब भी हम गुजरात के बारे में सोचते हैं, तो हमें अहमदाबाद, सूरत और साबरमती जैसे प्लेसेस याद आते हैं। लेकिन गुजरात में लोकेटेड पाटन एक ऐसी जगह है, जहां पर आपको बहुत ही बेहतरीन आर्किटेक्चर देखने को मिलता है। और ये प्लेस एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। इस प्लेस को ओल्डेस्ट कैपिटल ऑफ गुजरात स्टेट भी कहा जाता है, जो कि बहुत ही बड़ी बड़ी दीवारों से घिरा हुआ है। एंड यहां का ऑरा बहुत ही गजब का है। वहीं बात करें यहाँ पर टूरिस्ट अट्रैक्शन पॉइंट्स की, तो ये प्लेस फेमस है रानी की वाव, पातन पटोला हेरिटेज और सहस्त्रलिंग तालाब के लिए। नंबर 13, बूंदी राजस्थान। राजस्थान का बूंदी एक आर्किटेक्चरल मार्वल है, जहाँ पर राजपूत रूल किया करते थे। बहुत ही कम लोगों को इस प्लेस के बारे में पता है, जिसकी वजह से ये प्लेस एक बेहतरीन ऑफबीट प्लेस बन जाता है। एंड यहाँ पर आप रानी जी की बावरी, सुख महल और गढ़ पैलेस को विजिट कर सकते हैं। नंबर 14, चोपटा उत्तराखंड। चोपटा को इंडिया का स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है, जहाँ पर आप ट्रैकिंग, स्कीइंग और बाकी की माउंटेन एक्टिविटीज के लिए दिसंबर में जा सकते हैं। एंड दिसंबर में आपको यहाँ पर स्नो क्लैड माउंटेन्स का व्यू भी देखने को मिलेगा। इसी के साथ आप यहाँ बाइसिकल टूर पर भी निकल सकते हैं, साथ ही टुंगनाथ महादेव टेंपल जैसे प्लेसेस को आप विजिट कर सकते हैं। नंबर 15, जबलपुर मध्य प्रदेश। जबलपुर इंडिया के बेस्ट सिटीज में से एक है, जो कि काफी अंडररेटेड है। ये सिटी आर्किटेक्चरल वंडर से भरी हुई है। यहाँ पर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी लोकेटेड है, साथ ही यहाँ नर्मदा रिवर भी है, जहाँ पर आप शाम की आरती में शामिल हो सकते हैं। और आपको यहाँ पर वाराणसी वाले घाट्स की जो वाइब्स होती है, वो भी महसूस होंगी। साथ ही आप यहाँ बैलेंसिंग रॉक, विसानहरी की मदिया और मदन महल फोर्ट जैसे प्लेसेस को भी विजिट कर सकते हैं। तो ये थे वो ऑफबीट प्लेसेस, जिन्हें आपको इस दिसंबर विजिट करना चाहिए। इस वीडियो में बस इतना ही। आपका इन प्लेसेस को लेकर क्या सोचना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, तो इसको लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में और भी इंटरेस्टिंग ट्रैवल कॉन्टेंट के साथ। टिल देन, कीप ट्रैवलिंग।